पर जो ये ट्रॉली है 18,500 के अंदर जो थी वो आपको जो है बहुत ही कम प्राइस के अंदर दे दूंगा। मगर ये देखो, मतलब ये कहां से कंसेप्ट ढूंढ के निकाला है बिग फ्लेम पार्टी में भाई साहब। अंदर यहाँ पर देखिए आप जो कि मैग्नेट साइज 90 रहेगा। एक चीज और बता दूं, 8 इंची को ड्राइव करने के लिए जो आईसी होता है ओ भाई साहब, मैं क्या इलावा 108mm साइज आपको आप मिड रेंज मिल जाती है। मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, होम हो ठीक है, और आगे आगे मतलब इतनी चीजें बदल के रख दूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी का टिकने के बाद जो है यहाँ देखिए कैसे टाई के साथ इसको बांधा गया ताकि वायर ना हो, खींचने का भी कोई चांस ना हो यहाँ पर देख। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर देखिए ये 155 मैग्नेट यहाँ पर देखिए, अरे बेहतरीन, ये देखिए मतलब ये दो स्टम में क्या होता है कंट्रोल यहाँ देने के बाद ये पूरा पार्ट जो है ओपन रहता है, मगर इसके अंदर भी एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया जाता है जिसकी वजह से क्या ये वायर है देखिए, वायर जो है कपलर टू कपलर सिस्टम है, वायर देखिए कितनी मोटी है। और जो ड्राइवर अल्ट्रा डीप बेस के अंदर रहेगा, 8 इंची सबवूफर है इसके अंदर, 28 इंचेस की हाइट रहेगी ठीक है। और ये भी आपको सॉफ्ट म्यूजिक है जिन डायमंड की, ब्लैक डायमंड की बात करें तो इसके अंदर आपको ये डबल टावर मिल जाएगा, डबल टावर के अंदर 4-4 इंची आपको दो फुल रेंज के स्पीकर्स मिल जाएंगे। इसने इतनी बड़ी हीटसिंक नहीं यूज की ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजों का हम लोग ख्याल करते हैं ताकि आप लोगों तक। फोर प्रो हमारे सामने है सर, मैं कहता हूँ मार्केट जो गाइस वापिस से आ चुके हैं भाई फ्लो बीट्स पे बहुत ही जल्द, अब तो मतलब आते रहेंगे क्योंकि भाई हीरा फोर प्रो हमारे सामने है सर। मैं कहता हूँ मार्केट में ना मैं ढूंढने निकला था दिवाली के आसपास ऐसा सिस्टम, लाख रुपए में भी मिल नहीं रहा था। एग्जैक्टली यही चीज है क्योंकि क्वालिटी इसके अंदर ऐसी डाली है। हाँ। और बाकी बात करें इसके सब वूफर्स की और इसकी जो है हम आरएमएस वाट पावर की बात करें, हाँ जी, तो ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलती। इसकी जो शेल है जैसा डिजाइन किया गया है, इस बार इसके अंदर HDMI भी पोर्ट दिया गया है, तो काफी चीजों का ख्याल किया। अगर सामने के डिजाइन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको 6 इंची अपर मिड रेंज और 4 इंची लोअर मिड रेंज मिलती है और काफी चीजें। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी हीट सिंक देखिए हमारे द्वारा यूज की, अभी तक किसी ने इतनी बड़ी हीट सिंक नहीं यूज की ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजों का हम लोग ख्याल करते हैं ताकि आप लोगों तक ऐसा सिस्टम पहुंचे। और देखिए मैं जो हमारी टेक्निक है वो डिजाइन करने की सिस्टम को, हमारी जो बेस है वो ट्रेवल करती है। हाँ जी, अभी आपको दिखाऊंगा सिस्टम मेरा यहाँ चलेगा और ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जो पूरी खिड़कियां वाइब्रेट करेंगी, वो भी आपको टेस्टिंग देंगे हम यहीं पर ही ठीक है। और भाई ये देखो, मतलब ये कहाँ से कंसेप्ट ढूंढ के निकाला है बिग फ्लेम पार्टी में भाई साहब, ये तो ऐसे लग रहा है ये ऐसे पकड़ो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ो। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ये गिर गई। चलो तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और मॉडल्स के सारे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ प्राइस के साथ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आज ये दो मॉडल्स की और इसके यहाँ पर फिर ये बताएंगे कि हीरा 3 प्रो जो है प्राइस ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, कर दिया जी हाँ, प्राइस आपके लिए ऑफर प्राइस लेके आए हैं। न्यू ईयर एंड सेल है हमारी चल रही और भी आपको सारे मॉडल्स दिखाएंगे। जैसे छोटी ये ट्रॉली है, ट्रॉली जो है बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर लेके आया हूँ। यहाँ पर जो ये ट्रॉली है 18,500 के अंदर जो थी वो आपको जो है बहुत ही कम प्राइस के अंदर दे दूंगा। मगर करना क्या है, आप लोगों ने इस वीडियो को जो है शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा और एक अच्छा सा कमेंट करना है। गिव वे भी होगा, गिव वे उनके लिए होगा, दो बंदों के लिए जो लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा सा कमेंट। और जो लोग मेरे यहाँ से परचेजिंग करते हैं, जो यहाँ परचेजिंग करते हैं वो अपनी अच्छी सी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डालिए, मैं जो है उनको अपनी तरफ से डबल टावर गिफ्ट करूंगा, वो कुछ भी हो सकता। अरे क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। तो हम आ चुके हैं फ्लो बीट्स पर, ये सारे सोशल हैंडल्स रहेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर ओनली दो है भैया आपके नाम से, इसके अलावा कोई तीसरे से कोई कॉन्टेक्ट करता है तो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एलईडी का कॉन्टेक्ट नंबर दूसरा है, वो आप अगर उस पर कॉन्टेक्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं इन नंबर पे, बाकी और कोई नंबर नहीं है। और आजकल हमारे नाम से फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि फ्लो बीट्स इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो यही कारण है। कॉपी करने वाले लोग भी बहुत आ गए जो हमारे नाम से माल बेच रहे हैं, बाद में लोगों को पछताना पड़ता है, काफी जो है कंप्लेंट्स भी हुई है इन दिनों, बट कोई बात नहीं, हम देखिए हर किसी के साथ नहीं जा सकते। बस आपको ये बोलते हैं कि यार 200-400-500 का लालच मत करो, जब हम लोग बैठे हैं आपको चीज देने के लिए, हम क्वालिटी बना रहे हैं, तो क्यों आप परेशान हो रहे, क्यों इधर उधर भागते हो। बिल्कुल, बस यही है मेरा कहना चाहता हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। चलो तो स्टार्ट कर रहे थे, कौन सी तो कहां से स्टार्ट करने वाले आज? सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ सबके प्राइस के हिसाब से। देखिए एक चीज बता दूं, फ्लो बीट्स के अंदर आए हैं तो साउंड के सिग्नेचर्स जरूर जान के जाना, क्योंकि जब खाने के अंदर टेस्ट होता है और आपकी परफ्यूम के अंदर जब फ्रेग्रेंस होती है तो याद रखना
कि इसी तरीके से साउंड के अंदर भी सिग्नेचर्स होते हैं जो आपके लिए अच्छा। जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो चार तरह की बेस के अंदर जो है डील की जाती है हमारे यहाँ पर। उसके अंदर जो है तीन बेस तो आपको कॉमन सब जगह मिल जाती है, मगर जो रोलिंग बेस है, गाड़ियों वाली बेस जिसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर फ्लो बीट्स ने इन्वेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लो बीट्स पर मिलती है। क्योंकि देखिए ये एक यूथ की जो है पसंद है कि कोई भी जब एक टीन एज के अंदर होता है तो उसको एक ऐसा बेस चाहिए जो कि उसकी इच्छा जो होती है म्यूजिक सुनने उसको और बढ़ाता है, और आस पड़ोस होता है वो चाहता है कि जो भी मेरे यहाँ से निकले या जो भी आए वो पूछे कि भाई ये सिस्टम कहाँ से लिया। हम भी उसी एज के अंदर थे और हमने भी जो है इसी सोच के साथ जो है हमने सिस्टम्स को डिजाइन किया कि यार एक बिल्कुल डिफरेंट एक हटके ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कहीं पर भी ना मिले, चाहे जितने मर्जी आप कॉस्ट पे कर दो। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, यहाँ पर 2000 रुपए से टावर स्टार्ट होते हैं। ये हमारा जो है सर 2000 रुपए से टावर स्टार्ट कर रहे हो, 2000 रुपए से टावर स्टार्ट है। यहाँ पर मिनी स्पीकर आता है 2000 का, हमारे इतना बड़ा आपको दे देंगे 2000 रुपए का ये जो है। और उसके अंदर भी क्वालिटी अगर बात करूं तो मार्केट में जहां 3 IC का बिकता है, मैं यहाँ पर आपको 4 IC के अंदर देता हूँ। अच्छा। वो भी आपको खोल के दिखाऊंगा आज के 4 IC का मेरे यहाँ छोटा सा सिस्टम है ताकि आपको पता लग पाए कि क्या क्वालिटी देते हैं। हाँ उसके अलावा अगर आपको अल्ट्रा डीप बेस के अंदर चाहिए, मैंने बताया था चार तरह की बेस होती है, पंच बेस, डीप बेस, अल्ट्रा डीप बेस और रोलिंग बेस। रोलिंग बेस जो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लो बीट्स पर मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे FTS 10 मॉडल की, जो की अल्ट्रा डीप बेस के अंदर रहेगा, 8 इंची सबवूफर है इसके अंदर, 28 इंचेस की हाइट रहेगी। ठीक है। और ये भी आपको सॉफ्ट म्यूजिक है, जिनको बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए उनके लिए है कि एक जगह पड़ा रहे और सारा दिन। लेकिन बेस बहुत प्रीमियम आएगा बिल्कुल लो जो होते हैं ना लो, वो भी आपको परफेक्ट मिलेंगे स्लो वॉल्यूम के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ ये वाला मॉडल जो है ये 3500 का, ये उन लोगों के लिए जिनको हाई वोकल चाहिए, हाई बीट चाहिए, नोट जो है हाई चाहिए ताकि जो है रूम के अंदर भी आप पार्टी कर पाओ, ये उनके लिए 3500। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, सिंगल टावर जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 4200 का मिल जाएगा, 8 इंची बूफर के अंदर यहाँ पर देखिए आप, जो कि मैग्नेट साइज 90 रहेगा। एक चीज और बता दूं, 8 इंची को ड्राइव करने के लिए जो IC होता है वो आपका 20-50 भी चल जाता है, मगर 20-50 में मैं कोई सिस्टम नहीं बनाता। मेरे यहाँ जो ये वाला भी है वो आपको 72-65 IC के अंदर मिलेगा। चार तरह के IC होते हैं, 20-30, 20-50, 72-65 और 72-94। ये आपको जो है 72-65 IC के अंदर मिलेगा। हाइट की बात करें इसकी 38 इंच हाइट रहेगी, और यहाँ पर आपको जो है 108 mm की इसकी साइज रहेगा, जो की मिड रेंज है। और यहाँ पर 108 का आपको जो है यहाँ पर हाइज मिल जाएगी, जहां से आपको जो है वोकल्स और बीट्स आते हैं दोनों। इसके बाद जो है कंट्रोल इसके सारे ऊपर रहेंगे, प्राइस 4200। और ये वाला जो है आप देख पा रहे हैं ये मॉडल 1003 मॉडल नंबर है, यहाँ पर आपको 10 इंच जो है 120 मैग्नेट साइज मिल जाता है। मैग्नेट साइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टावर स्पीकर की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर ये तो समझा दिया जाता है कि मैं 10 इंची के अंदर आपको इस प्राइस के अंदर दे दूंगा, 8 इंची के अंदर इस प्राइस के अंदर दे दूंगा, मगर याद रखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैग्नेट का साइज है, वहीं से सारी चीजें तय होगी। अगर मैग्नेट साइज बड़ा है तो आपको जो है ट्रांसफार्मर भी उसके अंदर हैवी लगा होगा, और उसके अंदर जो है सर्किट भी हैवी होगा जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, मगर बेस जो उसका आएगा वो एकदम नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो मैं आपको इसलिए बारीकी से चीजें समझाता हूँ ताकि आप कहीं पर धोखा ना खाए, क्योंकि पैर पैर पे धोखा है। लोग जितने भी बेचने के लिए बैठे याद रखना उनको अपने पैसे से मतलब है, कोई भी यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा कि आपको एक अच्छी चीज मिल जाए। दुकानदार और आपके बीच एक शीशे का पर्दा है जिसके आर पार देखना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए आप लोग धोखा खा जाते हो। बिल्कुल। जो है हीरा सीरीज जो कि बहुत प्रीमियम मोस्ट डिमांडिंग सीरीज है इंडिया के अंदर। ठीक है। क्यों आपको ये चीज चाहिए जबकि मार्केट के अंदर ढेरों मॉडल मिल जाएंगे, और अब तो इन दिनों बहुत सारे लोग आपको बेचते हुए दिख जाएंगे, कॉपी करते हुए दिख जाएंगे, मगर फिर भी फ्लो बीट्स का साथ ही क्यों चाहिए आपको। हाँ जी। सबसे पहले तो बता दें कि मेरे जितने भी सिस्टम होते हैं उनके ऊपर पूरी एक एक साल की R&D के बाद एक मॉडल निकलता है। अच्छा। निकलता है तो अपने आप में वो उसका अलग ही जो है अपना मेथड होता है उसके काम का, उसको परफॉर्म करने का, यहाँ उसका जो है सिग्नेचर बिल्कुल अलग रहेगा, और जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल जो है डिफरेंट होगी, जो मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। सबसे हाँ पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लैक डायमंड की। अच्छा। ब्लैक डायमंड की बात करें तो इसके अंदर आपको ये डबल टावर मिल जाएगा, डबल टावर के अंदर 4-4 इंची आपको 2 फुल रेंज के स्पीकर्स मिल जाएंगे। ठीक है। फुल रेंज का मतलब देखिए जहां से आपको वोकल्स और बीट दोनों आती है। साइजेस की बात करूं तो 108 mm साइजेस का रहेगा फ्रंट का, जिसके अंदर आपको मैग्नेट जो है वो चेंज हो जाती है, जो की रहती है
53 मैग्नेट। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 इंचीज जो है यहाँ आपको बेस मिलती है जिसका मैग्नेट साइज 90 है, 90। आप देखिए यहाँ पर जो है 50 भी हो सकता था, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, मगर नहीं, हमने यहाँ पर 90 रखा। क्यों? क्योंकि इतने से कम के अंदर ही मेरे को आपको बेस बिल्कुल हाई देना है एकदम, कि जब भी इसको आप प्ले करें तो कोई ऐसा ना लगे कि यार कोई छोटा सा सिस्टम है, ऐसा लगे कि यार कोई बड़ा सिस्टम प्ले हो रहा है। और ऐसा ही है, ये कम से कम मार्केट के 15,000 से 20,000 के सिस्टम को टक्कर आराम से दे देगा। और दूसरी चीज, लोज इसके बड़े परफेक्ट है। अब आप मेरे से पूछेंगे लोज क्या होता है, देखिए मैं टेक्निकल थोड़ा ज्यादा जाता हूँ क्योंकि हमारी फील्ड बैकग्राउंड जो है टेक्निकल है, तो हम ज्यादा नहीं, अच्छी चीज भी हर कोई बताता नहीं वीडियोस में ये सब। लोज क्या होता है कि स्लो वॉल्यूम के अंदर बेस, जैसे क्या होता है आपके घर के अंदर होम थिएटर है, जल्दी से उसको प्ले करिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद, जैसे आप वॉल्यूम स्लो करेंगे तो बेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इसको स्लो में भी प्ले करेंगे तो आपको बेस भरपूर मिलेगा, कहीं पर कोई कमी नहीं मिलेगी बेस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो सर्किट है ड्यूल एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट लगा, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा देखिए यहाँ पर ये वायर है, देखिए वायर जो है कपलर टू कपलर सिस्टम है, वायर देखिए कितनी मोटी है। और जो ड्राइवर्स होते हैं इसके, यहाँ की जो सर्किट है उसके अंदर ड्यूल ड्राइवर लगे होते हैं, बेस को अलग ड्राइवर चलाता है और हमारा जो है ट्रबल और मिड को अलग ड्राइवर ऑपरेट करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके साथ आपको कोर्डलेस माइक भी मिल जाता है। अच्छा, माइक कोर्डलेस साथ में मिलेगा फ्री दे रहा हूँ इसके साथ। और इसके जो है शेल की वॉल थिकनेस की बात करें, ये इसका पूरा शेल है, उसकी वॉल थिकनेस की बात करें वो 7.5 mm रहेगी। ये भी एक अहम रोल प्ले करता है इसके बेस को लेकर। अच्छा, तो एक बार प्ले कर देते हैं, छोटा सिस्टम है, 5200 रुपीज का दे रहा हूँ कोर्डलेस माइक के साथ। क्यों? क्योंकि हर घर तक पहुंचे, कोई बंदा ये ना कहे कि मेरे पास यार पैसे कम है, मैं अच्छी चीज नहीं ले पाया। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इन सिस्टम्स को डिजाइन किया है जो बेस की चाह रखते हैं मगर उनके पास जो है बजट का थोड़ा सा इशू रहता है, बस मैं उन्हीं के लिए बनाऊं, तो इसको प्ले कर देते हैं हम। ठीक है, डन करें। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। ये जो मैंने टेस्टिंग दी, मैंने आपको फुल वॉल्यूम के अंदर दी है। एक बार मैं इसको आपको स्लो वॉल्यूम के अंदर भी टेस्टिंग देना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा एक बार आप अपने हाथ से उठाए, मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ, वेट देखना कि नॉर्मल सिस्टम के मुकाबले इसका वेट आप बताना के व्यूवर्स को कि क्या वेट है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो इसके अंदर लगा है, जहां कॉमनली 1 inch का यूज होता है ट्रांसफार्मर, हम लोग जो है 1.5 inch का यूज करते हैं। क्या बात और है? सर्किट भी हमारा हैवी और मैग्नेट भी हैवी होते हैं, जिसकी वजह से इतने से छोटे के अंदर भी आपको वेट बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसको स्लो वॉल्यूम के अंदर भी हम प्ले करते हैं, हेडफोन्स प्लीज जरूर लगाएं। ठीक है, यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि भाई जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट के अंदर साउंड सिग्नेचर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये डब्बे का हमने क्या करना है जब इसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है, जब इसके अंदर वो चीज ही नहीं है। शक्ल मैं और भी अच्छी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो इसके अंदर जिस चीज के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, जब वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ, वो बेस, वो साउंड क्वालिटी, वो आउटपुट ही नहीं मिली मुझे, तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है परचेज करने का। तो बस यही एक चीज है, मैं चाहता हूँ एक बार आप उठाओ, एक बार दिखाओ कि वेट इसका कैसा है प्लीज। तो भाई एक बार मैं उस वाले को प्लीज उठाएं आप। ओके सर, वेट तो भाई साहब मतलब अच्छा खासा वेट है, लग रहा है उठा के कि हाँ भाई हाथ में कुछ चीज ले रखी है जी। ये सिर्फ इसीलिए है, मतलब वेट मतलब नॉर्मल से आपको 2-2.5 kg एक्स्ट्रा ही मिलेगा, क्योंकि तो उसकी वुडन की थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर जो है वो जो है बड़ा है, जितनी उसको नीड है एक्चुअल में, जितने एम्पेयर उसको चाहिए उतने एम्पेयर। देखिए मार्केट में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर छोटा करके करंट बढ़ा दिया जाता है। हाँ। आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम तक सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, मगर उसके बाद जो है बेस दबनी चालू होती है, बेस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर बैठ गया, वो आउटपुट नहीं दे पा रहा, उसको पावर नहीं दे पा रहा इतनी कि वो अपनी परफॉर्मेंस आपके सामने डिलीवर कर पाए। भाई इतनी चीजें बताएगा नहीं कोई, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये तो रही हमारी ब्लैक डायमंड की बात। इसके बाद जो है प्राइस की बात करते हैं, 5200 रुपए, 5200, और कोर्डलेस माइक बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ आपको इसके साथ डबल। और सर मैं कहता हूँ अगर ये सेम चीज अगर मार्केट में बंदा लेने जाए तो कितने की आएगी? मैं देखो इसी बताऊँ तो मार्केट के हालात इतने खराब है,
कि आपको कोई 4500 में भी दे देगा, 4200 में भी दे देगा। अच्छा, कूड़े की कोई कीमत नहीं है, कूड़ा तो फ्री में भी मिलता है। किसी ब्रांड में लेने जाए तो जी, ब्रांड में लेने जाओ तो सर 15-16 हज़ार से कम नहीं मिलेगा, कम में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप दे रहे हो 5200 रुपीज में, क्यों? क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद से जो है हर चीज को, इवन के सर्किट जो है वो खुद से डिजाइन करते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, लोगों की काफी टाइम से क्वेरी थी कि सब वूफर भैया गाड़ियों के वूफर बनाओ, 3 साल हो गए हैं। 3 साल बाद यहाँ से देखिए मैंने इम्पोर्ट करवाए चाइना से, यहाँ पर देखो भाई, ये देखो गोंजाऊ चाइना से इम्पोर्ट करवाया। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 155 मैग्नेट, ये 135 मैग्नेट, और एक यहाँ पर देखिए ये 155 मैग्नेट यहाँ पर देखिए, अरे बेहतरीन। ये देखिए मतलब ये 2 इंपोर्ट करवाए। अब ये गाड़ियों के लिए सबवूफर तैयार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी। और अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये देखिए कितने प्यारे जो है इनके इनपुट्स हैं, जहाँ से हमें वायर लगानी पड़ती है। अब यहाँ कौन देखिए ये वूफर कौन, क्या बात है, मतलब मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर अगर लग गया तो मजा ही आ जाना है, गाड़ी उड़ा देगा, ऐसा सिस्टम बनाऊंगा मैं। चलो, और बहुत कम प्राइस के अंदर दूंगा। मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि जो इनबिल्ट एम्प वाली है वो इसके साथ आपको जो है 5000 के अंदर अंदर दे दूं, 4-5 हज़ार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोशिश पूरी रहेगी। और आने वाले टाइम में ऐसी ही चीजें जो है अपने साउंड स्पीकर्स के अंदर भी हम लोग यूज करेंगे, टावर स्पीकर्स में भी। ये भी मेरी कोशिश है कि विद इन मतलब ईयर जो है सारी चीजें चेंज करके रख दूंगा। चेंज करके, बढ़िया, जो एक अपना वादा था कि हाँ भी एक रेवोल्यूशन लेके आना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो आकर ही रहेगा और काफी हद तक आ भी है। आज के टाइम पे देख लो कि हमारी टक्कर में कोई सिस्टम ना बना है ना कोई बना पाया है, बिकता सबका। मैं ये नहीं कहता क्यों, क्योंकि हर तरह की पब्लिक है, कोई भी जो चाहता है कि मेरे को सिस्टम मिल जाए, कैसा भी साउंड होना चाहिए। पर मेरे पास वही आता है जो बेस लवर है, जो म्यूजिक का लवर है, जिसको एक्चुअल में जो है साउंड की नॉलेज, ऐसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज पे परफॉर्म करती है, वो लोग जो है हमारे पास आते हैं जिनको साउंड चाहिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का। चलो, अब इसके बाद बात करते हैं हमारे हीरा वन बीस्ट की। यहाँ पर ठीक है, हीरा वन बीस्ट की अगर बात करेंगे, देखिए मॉडल यहाँ पर पूरा चेंज कर दिया, ये पैटर्न ये डिजाइन आपको कहीं पर मिलेगा ही नहीं, क्यों है वुडन के अंदर ही देखिए पूरा, मगर वुडन के अंदर भी आपको अलग ये पैनल मिलेगा यहाँ पर। ऐसा मतलब क्यों, ये डिवीजन पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि क्या है कि कॉपी बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे पिछले दिनों में ये वाले मॉडल की भी कॉपी हो चुकी है यहाँ पर जो देख रहे हैं। अच्छा, हीरा प्रो, हाँ। पर अब ये है कि हमने इसका प्राइस ड्रॉप कर दिया इसलिए कि भाई सबको ये पता लग जाए कि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी कम करके देखे ना, क्या भी हमको मैन्युफैक्चरर, हमने कम कर दिया प्राइस का, अब बाकी कम करके दिखाएं और ये आप लोगों को भी एक बेनिफिट दे दिया कि मेन ये वाला बेस ही नहीं मिलना फिर तो। मेन चीज होती है क्वालिटी की, शक्ल कोई भी दे देगा, शक्ल तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, पर बात होती है अकल की। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने हीरा वन बीस्ट की। हीरा वन बीस्ट के अंदर आपको ये 108 mm साइज के अंदर आपको जो है मिड मिल जाती है और 108 mm साइज के अंदर आपको हाइज मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल्स में आपको दिखाना चाहूंगा इस बारी, ये देखिए कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए। कंट्रोल्स की अगर बात करेंगे तो ये नहीं कि कंट्रोल, अब क्या होता है लोकल सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल यहाँ देने के बाद ये पूरा पार्ट जो है ओपन रहता है, मगर इसके अंदर भी एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया जाता है जिसकी वजह से क्या बेस रिफ्लेक्ट ना करे ऊपर को ना आए और इसको जो है साउंड को हार्म ना करे। ठीक, बाकी बात करें इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो 10 इंचेस जो है 100 मैग्नेट साइज, यानी 8 इंचेस के अंदर 100 मैग्नेट साइज आपको यहाँ पर मिल जाता है जो बेस है। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो है 7294 IC के अंदर ड्यूल एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट दिया जाता है, जो दो चैनल का चलाने का मकसद ये है कि आप देखते हैं ना जो लोज मैंने इसको समझाया, इसके अंदर वाइब्रेशन रोलिंग बेस का इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप ये भी चलाएंगे, मैं आपको विंडोज यहाँ पर हिलती दिखाता हूँ कि पूरी अच्छा। विंडो जो है वो शेक करती है, हम इसको प्ले करते हैं। इसके प्राइसिंग की बात करेंगे, कोर्डलेस माइक के साथ भी मिल जाएगा और उसके अलावा भी मिल जाएगा। क्या बात है, मतलब आप कह रहे हो अगर ये चल गया तो इसमें भी चीजें हिला देंगे। बिल्कुल, मैं अभी आपको टेस्टिंग देता हूँ इसकी। चलो जी, कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको ये स्लो के अंदर भी प्ले करके दिखा रहा हूँ, कोई टेस्टिंग के लिए। मतलब बेस में फर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ये तो है। मतलब देखिए नॉर्मली क्या होता है, देखो मैं बात भी कर रहा हूँ और आवाज भी क्लियर आ रही है, क्योंकि स्लो के अंदर है मगर बेस पूरा आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग वॉल्यूम एकदम फुल कर देते हैं आखिरी पॉइंट तक, तो बेस एकदम प्रॉपर होता है, साउंड भी प्रॉपर होता है। जब फुल पे करते हैं तो बेस फटना चालू होता है, अजीब सी डिस्टॉर्शन पैदा होती है। क्यों, वो मैंने फ्लो बीट्स के स्पीकर में तो नहीं देखी अभी तक, है ना, ये ऐसा देखोगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि पूरा टेक्निकल तरीके से किसी भी सिस्टम को डिजाइन किया जाता है
कि कितना उसके अंदर ट्रांसफार्मर चाहिए, कंपोनेंट्स जो उसके अंदर लगे हैं, या कि नहीं फिल्टर जो बेस के फिल्टर होते हैं उसके ऊपर भी बहुत खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो बेस का फिल्टर कैसा होना चाहिए उसका, जो कि बेस को स्टोर करके आगे प्रोड्यूस करे और आपको एक नेक्स्ट लेवल का बेस दे। कहीं पर भी आप एक चीज नोटिस और करना, मैं एक बार फिर से प्ले करता हूँ और उस चीज को समझना, लैग नहीं मिलेगा आपको बेस के अंदर, ड्रॉप नहीं मिलेगा जरा सा भी आपको, ठीक है। एक बार चेस्ट टेस्ट करते हैं। बढ़िया, तो ये चीज थी कि आपको लैग नहीं मिलेगा। और अभी इसके अंदर एक रिवर्स बेस चलती है, इसके अंदर भी जो है आपको सब बूफर हुआ पूरा परफॉर्मेंस देता है अपनी, यानी बैक के अंदर भी जो माइनस डीबी होता है उसके अंदर भी पूरी परफॉर्मेंस आपको परफेक्ट देगा। तो यही हमारा काम है कि हम लोग साउंड के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं डीपली, ताकि कोई भी हमारे लेवल पे आके खड़ा ना हो पाए, इस चीज का बहुत खास ख्याल रहता है। इसलिए बहुत कम सिस्टम निकालूंगा, मगर ऐसे निकालूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और ऐसा होता भी है। एक साल के अंदर एक टावर स्पीकर हम लोग लेके आते हैं, जैसे इस बार हीरा 4 प्रो लेके आए हैं, तो हीरा 5 प्रो आने वाला है, दिवाली पे आएगा, अभी तो इसको 3 महीने हुए हैं। चलो, और ये देखिए कि वेटिंग पहले से स्टार्ट हो जाती है उसकी, मतलब 3-3 महीने पहले प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग अपनी बुकिंग करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को इतना भरोसा है कि अगर फ्लोबीट अगर नया स्पीकर लॉन्च करेगा तो कुछ अच्छा ही लॉन्च करेगा। बिल्कुल, और अभी तो क्या है, फ्रंट फायर बूफर भी जो लॉन्च होने जा रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, अर्थक्वेक सीरीज भी आ रही है, ऑक्टेवियम मॉडल है, ऑक्टेवियम के नाम से एक मॉडल है, वो भी आपको यहाँ दिखाई देता हूँ एक बार, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ देखिए, एक अपना ऑक्टेवियम मॉडल आ रहा है बहुत जल्दी, मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े, तो जबरदस्त लग रहा है, बहुत प्रीमियम है, बहुत ही ज्यादा, अभी तक ऐसा कोई मॉडल लॉन्च ही नहीं किया किसी ने, इंडिया के अंदर खासकर नहीं किया, फॉरेन में तो डिजाइन्स हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं है, पर यहाँ पर नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसी ऐसी चीजों का मजा आपको देंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर जो है रंगीनियां हो जाएंगी, खासकर म्यूजिक लवर्स के लिए। तो ये तो रहा मेरा हीरा 1 बीस्ट मॉडल, जिसकी अगर हम बात करें प्राइस की, तो 7,000 रुपए सिर्फ दे दूंगा कोर्डलेस माइक के साथ डबल टावर। अच्छा, 7,000 रुपए सिर्फ 7,000 के अंदर दोनों कलर, देखिए जेड ब्लैक एकदम कलर लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल डिफरेंट। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आपको माइक एड ऑन करवाना है कोर्डलेस माइक, तो 500 रुपए आपको और देना, 7,500, ठीक है। इसका अपर वर्जन चाहिए वो भी जेड ब्लैक के अंदर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए, ये जो है 10 इंच जो है 120 मैग्नेट साइज होता है, और इसके अंदर भी 108mm जो है सामने आपको मिड मिल जाती है, और 108mm साइज आपको सामने हाईज मिल जाती है, वोकल और ट्रबल के लिए कंट्रोल इसके भी आपको ऊपर मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 8,500 के अंदर विद कोर्डलेस माइक और विदाउट कोर्डलेस माइक, 8,500 रुपए में हीरा 2 कोर्डलेस माइक, जी हाँ, और विदाउट कोर्डलेस माइक आपको 8,000 के अंदर मिल जाएगा। क्या बात है, और मैं कह रहा हूँ कुछ तो हटके है इसके अंदर, इससे है ना बहुत ज्यादा। सर ये 8 इंचीज है 100 मैग्नेट साइड, ये 10 इंचीज है 120 मैग्नेट। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट मॉडल आया था यहाँ पर हीरा 3 प्रो। ओके, हीरा 3 प्रो जो है 10-10 इंची 4 सबूफर आपको मिल जाते हैं, और यहाँ 6 इंची जो है आपको हाईज मिलती है, और इसके अलावा 108mm साइज आपको आप मिड रेंज मिल जाती है। मतलब मैं एक बात बताऊँ आपको, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये मतलब उड़ा देगा, ये तो मतलब अगर रख दिया ना कहीं पर हिला देगा, पर रूम तो हिला ही देगा ये। और प्राइस सुनोगे तो मजा आ जाएगा सर, 13,000। मैं बताऊँ क्या कह रहे हो, अभी नहीं कह रहे मैं कहता हूँ लाख रुपए का, मगर लेने जाऊंगा ना मार्केट में किसी ब्रांड में, तो लाख रुपए से कम का मिलेगा नहीं है। ऐसा है मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो 7.5-7.75 करोड़ के भी सिस्टम है। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया, तो बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, 1-2 साल के अंदर ऐसी चीज जल्दी वो 7 करोड़ वाली चीज ना बहुत सस्ते में दे देंगे ना। इवन के आपको मैं ये बताऊं कि जिन्होंने जो इन दिनों एक मर्सिडीज का जिन्होंने वो डिजाइन किया है बीटी स्पीकर, और एक टाटा के लिए जो गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, अब उनके थ्रू हमारा काम चल रहा है। अब हीरा 5 जो है उन्हीं से डिजाइन करवा रहे हैं, कि नहीं अब अच्छा वो डिजाइन करेंगे, और तब आपके सामने एक ऐसी चीज लॉन्च होगी बिल्कुल डिफरेंट चीज। चलो, लेकिन इस इंडस्ट्री का जो है पूरा लेवल ही चेंज करके रख दूंगा, ताकि कोई बीट ही ना कर पाए। अभी भी जो ये ऑक्टेवियम मॉडल आ रहा है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो चुकी है, जो है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ताकि कोई भी इस लेवल तक पहुंच ना पाए। चलो बढ़िया, प्राइस जो है इसका ड्रॉप करके, मतलब ईयर एंड सेल है 13,000 का है, आपको 12.5-11.5 मात्र 10,500 रुपए। सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब 13 से 12 नहीं कर रहे, 11 नहीं कर रहे, 10.5 कर रहे हो सीधा 10,000 रुपए सिर्फ।
आप दे दोगे सच में? बिल्कुल दे देंगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि भाई वेटिंग चल रही है अभी रुक जाओ? वेटिंग है थोड़ी है, थोड़ी सी है। अभी भी मतलब आपको 10 डेज की वेटिंग है इसके अंदर, लेकिन 10 दिन में दे दोगे? 10 दिन के अंदर दे दूंगा ये वाला। और इसके अलावा अगला मॉडल जो अपना आएगा वो यहाँ पर देख लिए, हीरा 3 प्रो मैक्स, इसका अपर मैक्स ठीक है। अब यहाँ पर देख लिए उसकी विर्थ और इसकी विर्थ, मतलब दिखने से पता चल रहा है भाई। मैं देखो ना, दिखा देता हूँ, बढ़िया। ये देखो शेल का जो है बहुत खास ख्याल रखा जाता है, जहाँ पर ये जो है आपका 9 इंचीज है, देखिए यहाँ 9 इंचीज है, ठीक है। वहाँ पर यहाँ देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए 10 इंचीज आपको मिलता है ये, ओके जी हाँ, ठीक है। और हाइट भी आपको दिखा देते हैं, हाइट जो है इसकी पूरी 3 फुट है, 36 इंच, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके 120 मैग्नेट साइज, आपको यहाँ पर जो है 2 वूफर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको 2 मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जाएंगे इस साइड पे तो ये आपको जो है 6 इंचीज का आपको मिड रेंज मिल जाती है, और यहाँ आपको 108 mm की आपको हाइज मिल जाती है, ठीक है। मॉसफेट सर्किट में ये रहने वाला है, इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग आईसी का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये चीजें भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल क्या होता है मार्केट से सर्किट उठाया, सिस्टम बना के आप लोगों तक दे दिया और उनका काम हो गया, मगर यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना। प्रोग्रामिंग आईसी क्यों यूज करना पड़ा, जब सिस्टम छोटा तक तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, जब बड़े की बात आ जाती है तो वहां पर जो है डिस्टोर्शन या क्लैरिटी का गुम होना बिल्कुल कॉमन है, क्लैरिटी वहां गायब होती है क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हैवी होती है, वोकल मैच नहीं हो पाते। मगर यहाँ पर अगर आप कोई भी सिस्टम सुनेंगे तो बेस ट्रबल और वोकल आपस में जो है मिसमैच नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग वे में परफॉर्म करेगा। ये जो है हमारी खास चीज है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर खासियत मिलेगी आपको, और ये इसी चीज के अंदर आपको ये मिलता है 7.5 एम्पेयर का इसके अंदर ट्रांसफार्मर, ओरिजिनल 7.5 एम्पेयर दिया गया बोल के नहीं, चाहे आप कहीं पर भी जो है मेजर करवा लेना। जबकि नॉर्मल क्या होता है मार्केट में, कोई भी आपको बोल देगा मैं 7.5 बोल रहा हूँ, वो इसके 0.5 एम्पेयर हम ज्यादा बोलते हैं, वो 8.5 बोल देंगे। मैं यहाँ पर हीरा 4 प्रो का 9.5 बोलूँ, कोई बोलेगा 10.5 दे रहे हैं, एक्चुअल में मेजर होना चाहिए उतना, मगर किसी को ये नहीं, हमने बोलना चालू किया तो सबको समझ में आ गया हाँ भी एम्पेयर भी कुछ होते हैं, नहीं तो बेचने वालों को क्या पता है एम्पेयर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिड क्या होता है, हाईज क्या होते हैं और लोज क्या होते हैं, किसी को भी यहाँ पर ये नॉलेज नहीं थी, पर ये नॉलेज हमने दे दी और आगे भी देते जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की बात करें, हीरा 3 प्रो मैक्स जो है आपको 1000 वॉट के अंदर मिल जाता है मात्र 13,000 रुपए के अंदर विदाउट कोर्डलेस माइक। 13 मतलब आप प्रो के प्राइस में प्रो मैक्स दे रहे हो? प्रो मैक्स दे रहे हैं यहाँ पर, ओके बिल्कुल बढ़िया। और सर मैं कह रहा हूँ अगर इसका नाम प्रो मैक्स है ना तो ये दिखने में लग रहा है प्रो मैक्स। जी हाँ बिल्कुल, विर्थ देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको नाप के भी बकायदा दिखाई है, 10 इंची इतनी विर्थ किसी की होती ही नहीं है। शेल को पूरा कैलकुलेट करके फिर इसका साइज निकाला गया, और अभी तो ये वॉल थिकनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 13.5 mm है इसकी, 13 mm है इसकी, 13.5 mm वॉल थिकनेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी सिस्टम के डिजाइन को लेके, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा हीरा 3 प्रो मैक्स। अब आपको मैं 4 प्रो की तरफ लेके जाता हूं, क्योंकि इंडिया का सबसे हैवी लार्जेस्ट सिस्टम हमारे द्वारा बनाया गया है, चीपेस्ट प्राइस एवर, ये चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले तो हीट सिंक मैंने आपको दिखा दी, इसकी द्वारा दिखाया था, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट हीट सिंक जो है हमारे द्वारा लगाई गई है, ताकि आप लोगों के पास जब ये सिस्टम पहुंचे देखिए प्राउड होना चाहिए, जैसे हम लोग अपने आप पे प्राउड करते हैं, हमारी टीम अपने आप पे प्राउड करती है कि यार हम लोग जब भी सिस्टम निकालते हैं एक साल में एक बार दुनिया खड़े होकर देखती है, या फिर बुकिंग कराने के लिए वेट करती है कि मुझे बुक कराना। ऐसा ही जो है इस लेवल का सिस्टम होना चाहिए, तभी इसके अंदर जो है बहुत सी चीजों को डिफरेंट बनाया गया, सेमीकंडक्टर्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, ताकि आपको कहीं पर भी साउंड में परफॉर्मेंस में कोई इशू ना आए, और एक आपको बेस के अंदर सराउंड मिले, ट्रेवल मिले बेस के अंदर, वो आपको अभी दिखाऊंगा मैं कि मेरी बेस कैसे ट्रेवल करती है। और 9.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगाया गया है, कहीं पर आपको जो है 1% की 0.01 की डिस्टॉर्शन ना मिले या लैगिंग ना हो, बेस लैग ना करे, इसलिए इसके अंदर 9.5 mm ट्रांसफार्मर जो एम्पेयर का यूज किया गया है। और मॉसफेट लगे, मॉसफेट भी हम खुद से अपने इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे मैंने ये आपको वूफर्स दिखाए यहाँ पर, खुद से इंपोर्ट किए, इसी प्रकार जो है हम लोग अपने जो मॉसफेट है वो भी खुद से इंपोर्ट करते हैं, ताकि कहीं पर जो है डुप्लीकेसी का कोई मतलब चांस ना एक हो। एक असेंबली यहाँ पर होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सबवूफर का साइज बताता हूँ, 135 मैग्नेट साइज है, और एक बार यहाँ आपको खोल के भी दिखा देते हैं, खोल देते हैं भाई एक बार थोड़ा सा, मतलब क्वालिटी तो है ऐसे नहीं खुलेगा। चलो ये देखो भाई आपको खोल के दिखाते हैं, बढ़िया चीज एकदम, ये देख लो क्या बात है जी, बेहतरीन। ये देखो भाई
बहुत बढ़िया बिल्कुल। अब एक बार अंदर से भी आपको दिखाता हूँ कि 135 जो मैग्नेट साइज होता है पूरा खोल देते हैं आज जब लगे ही है तो फिर आज तो मतलब मजा आ जाएगा। ये एक्चुअल में मतलब जो बोलते हैं ना ये जो लोग करके नहीं दिखाते यहाँ पर लोग हम करके दिखाते हैं भाई। ये देखो प्रॉपर भी खोल के दिखा रहे हैं और आपके लिए अनकट वीडियो रहेगी। अनकट है तो फिर मेरे को स्पीड में खोलना पड़ेगा। बिल्कुल खोल लेता है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मतलब आप इसका साइज देखो आप इसका मतलब डीप बेस जिसे कहते हैं ना वो इसमें रहने वाला है। 25 वाट से परफॉर्म होने वाला ये अपने आप में अकेला सिस्टम है। अभी तक किसी ने भी जो ऐसा नहीं दिया कि जो 25 वाट से परफॉर्म हो। ठीक है और आगे आगे मतलब इतनी चीजें बदल के रख दूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी का टिकना जो है मुश्किल ही नामुमकिन कर देंगे। अभी भी जो है कोई भी नहीं टिक पाता हमारी क्वालिटी के आगे। ठीक है मैं ये नहीं बोलता 500,000 आपको सस्ता मिल जाएगा मार्केट के अंदर और लेते भी हैं लोग मगर बाद में पछताते हैं। हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं सर मैं फंस गया आपकी कॉपी लेके फंस गया। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी ये लो भाई ये देख लो आपके सामने जी। ओ भाई साहब मैं देख रहा हूँ फ्लोबिट का स्टिकर लगा हुआ है जी। हाँ ब्रांडिंग आपको सब जगह मिलेगी और यहाँ पर एक बार जो हम साइज बता देते हैं आपको। चलो यहाँ पर देख लीजिए 135 मैग्नेट साइज बिल्कुल ठीक है एक्चुअल में जो बोला गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में भी यहाँ दिखाना चाहूंगा कि देखिए क्वालिटी कैसे होती है। यहाँ सबसे पहले सोल्डरिंग की ठीक है। सोल्डरिंग करने के बाद जो है यहाँ देखिए कैसे टाई के साथ इसको बांधा गया ताकि वायर खींचने का भी कोई चांस ना हो यहाँ पर देख। और एक चीज मैं बता दूं ये जो हमारे वूफर्स होते हैं ये ऑटोमेशन मशीन्स में बनते हैं। ओके नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी आप लोग सिस्टम परचेज करते हो वो हैंडमेड होते हैं। उनके अंदर क्या होता है जब यहाँ पर कॉयल फिट होती है इस साइड पे ठीक है जब यहाँ पर कॉयल फिट होती है इसके अंदर तो कॉयल अगर 0.05 mm भी यहाँ की नहीं एक बाल के बराबर अगर ऊपर नीचे हो गया तो इसकी आवाज में इसकी बेस में फर्क आना बिल्कुल लाजमी है और ये होना ही होना है। मगर यहाँ पर ये ऑटोमेशन से बनने की वजह से क्या होता है कि आपको कहीं पर डिफरेंस नहीं मिलता साउंड में या कि नहीं। अगर 25 हर्ट्ज है तो 25 हर्ट्ज ही रहेगा कहीं पर भी आपको डिस्टॉर्शन या कहीं पर बेस में कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। ये इसकी खास चीज रहती है तो एक एक चीज की ट्रांसपेरेंसी मैं आपको हमेशा देता है और देता रहूंगा कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है जी डन। चलो तो अब एक काम करते हैं अगर हम फ्लो बीट्स पर आए हैं और हीरा 4 प्रो नहीं चलाया तो फिर क्या हुआ। मैं तो बोलता हूँ जिसने सिस्टम ले लिया वो भी जिसने नहीं लिया वो भी एक बार बेस का नजारा सुन के जरूर जाओ भाई। मैं कहता हूँ जो भी यहाँ पर आ रहा ना और चाहे कुछ छोटा स्पीकर ही क्यों ना लेता इसकी आवाज जरूर सुन के जाओ। मैं आपको वो जो मैंने आपको बोला सेमी कंडक्टर्स जो लगे हुए हैं इसके अंदर अभी उसका आपको बेनिफिट बताऊंगा कि बेस कैसे अपनी ट्रेवल करती है। मतलब कि आपने कभी देखा है हम लोग तो ट्रैवल कर पाते हैं हर चीज ट्रैवल करती है मगर साउंड को आपने ऐसे बेस को ट्रैवल होते हुए नहीं देखा होगा। okay. जो इसके अंदर एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अद्भुत चीज है वो मैं आपको जो अभी फील करवाऊंगा। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो तो कम से कम हेडफोन लगा के रखें इसका बिल्कुल डिफरेंट आज आपको जो है इसका टेस्टिंग देंगे आज। चलो तो मैं कहता हूँ भाई अगर मेरी फिर से दोबारा रिकमेंडेशन है कोई छोटा स्पीकर भी यहाँ पर लेना आता है इसकी वॉल्यूम जरूर सुन के जाना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई ऐसा आप यहाँ पर खड़े खड़े बंदा हिल जाएगा अंदर है ना। उस दीवार को आप हाथ लगा के रखना वहां पर आपको देखना क्या फील होता है कि पूरी दीवार वाइब्रेट होगी। मतलब इस लेवल का बेस इसके अंदर हमने डाला है तभी तो बोलते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट सिस्टम जिसको लेने के लिए लोग 30-30, 40-40 दिन तक वेट करते हैं। अभी मैंने 2 यूनिट इसके लगाए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो सिस्टम मिलने के अंदर पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाती है कमी। चलो ठीक है जी के बैठ जाइए हीरा 4 प्रो प्ले होने वाला है हेडफोन्स लगा लेना और यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब मैं बोलता हूँ कि इंडिया का सबसे बेस्ट टावर स्पीकर्स होने वाला ये तो इसकी टेस्टिंग हम देंगे और बेस ट्रेवल कैसे करती है आज आपको वो भी लाइव प्रूफ दिखाएंगे। चलो चलो लो भाई बाहर आ चुके हैं। अभी तो ये पूरी एकॉस्टिक
शीट्स लगी है जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर साउंड 30% दब जाता है। हाँ। मैं इसको आउटडोर में चलाता हूँ और मैं जो आपको बोलता हूँ ना कि यहाँ आपको बेस कुछ मिलेगी मगर पड़ोसी के घर का जो हाल होता है वो कुछ और होता है। दिखाता हूँ, पड़ोसी के घर में भी लेके चलता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर दिखाऊंगा आपको कैसे जो शीशे हैं पूरे वाइब्रेट करेंगे। चलो चलो जो है ऊपर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि हीरा 4 प्रो। देखो भाई वहाँ पर रखा हुआ है उस कॉर्नर में, ठीक है, और इस टाइम में हॉल दिखा देता हूँ, पूरा हॉल आप देख सकते हो और आप दिखाएंगे भैया ऊपर भी है ना। चलो ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई साहब, मैं कहता हूँ हिला दिया। अब वो दरवाजे वो भी खिड़कियां दरवाजे हिल रहे होंगे सारे, इतनी ऊपर से हिल रहा है भाई। ये देखिए ओ भाई साहब, जहाँ जहाँ आप जाओगे मतलब वहाँ मतलब उससे ऊपर वाले फ्लोर पर है हम, उससे ऊपर, अभी इसके ऊपर भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। चलो आप निकलते दिखाते जरा, तो भाई ये देख लो, मतलब बेहतरीन चीज मैं कहता हूँ सच में भाई, प्रूफ कर दिया आज पड़ोसी को ये परेशान हो लेंगे। ये मैंने पहली बार ऐसी टेस्टिंग दी है। देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो जिनको चाहिए ऐसा प्रोडक्ट यार बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो, बेस ऐसा कहीं पर ना मिले ना कभी सुना हो, वो ले ले। चलो जिनके पड़ोसी उनको लगता है कि हाँ मेरे से दबंगा भाई पंगा नहीं ले सकता, वो ना ले, उनको और ऑप्शन बहुत सारे दे दूंगा, यहाँ पर आ जाइए। चलो ऑप्शन में अपने पास जो है यहाँ पर हीरा 2 पड़ा है, हीरा 1 पड़ा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हीरा 3 प्रो पड़ा हुआ है, यहाँ हीरा 3 प्रो मैक्स पड़ा है। अपने ऑप्शन बहुत है, पर मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अपना कोई तोड़ नहीं है, हमारे से ऊपर कोई नहीं है, हम यहाँ पर वो दे देंगे आपको जो कोई नहीं दे पाएगा, ठोक के बोलते हैं, छाती तान के खड़े हुए हैं, आ जाओ जिसको चाहिए, जिसको म्यूजिक का एक्सपीरियंस करना है नेक्स्ट लेवल वो आए यहाँ। चलो ठीक है, तो भाई हाँ इसका प्राइस तो है ही गया, प्राइस हाँ 17,000 इसका प्राइस है 17,000 पे, मगर अभी ऑफर में दे दूंगा, ईयर एंड सेल चल रही है, वेडिंग सीजन सेल चल रही है, 16,500 सर आपको 15,500 सर दो सीधा आपने लेस कर दिया जी हाँ 15,500 भाई साहब बढ़िया। एक चीज और मैं आपको जो है इन दिनों शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए, अच्छा एक किसी ना किसी को कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट दूंगा, उसके अलावा जो मेरे यहाँ से परचेजिंग करके जाते हैं बढ़िया सी वीडियो बना के डालिए, मैं जो है हर बंदे को जो वीडियो डालेगा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने, मैं जो है चाहे वो नया ही उसका चैनल है यूट्यूब, मैं उसको एक स्मार्ट वॉच दूंगा, और इन सब में से सबसे बढ़िया वीडियो जिसकी लगेगी जनवरी के अंदर एंड के अंदर हम लोग एक ड्रॉ निकालेंगे, उसके अंदर मैं डबल टावर आपको फ्री दूंगा। क्या बात है, बहुत बेहतरीन भाई, तो वीडियो को ज्यादा सारा शेयर करनी है, ओनली 2 नंबर है इन्हीं पे कॉन्टेक्ट करना है, बाकी इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो कर लो, रील डलती रहती है हमारी। इन दिनों क्या होता है कि देखिए जो सबसे ज्यादा चमकता है ना यानी फ्लो बीट्स का लेवल आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे पास अभी मेरे अपने मोबाइल में दिखाऊं तो 45,000 मैसेज पेंडिंग है, और इंडिया तो छोड़िए मतलब अभी इंडिया से बाहर ग्लोबली डिलीवरी भी मेरी चल रही है, यूएस कनाडा हम लोग सब जगह, न्यूजीलैंड, अच्छा सब जगह मेरी डिलीवरी जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जो दूसरे बेचने वाले होते हैं वो एग्रेसिव हो जाता है इस तरीके से, और क्या सोचते हैं कॉपी करो कॉपी करो, कॉपी करने में क्या होता है देखिए कॉपी कॉपी रहती है, आपको 500,000 सस्ता भी मिल जाता है, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलता, आपको शक्लें भी सेम मिलती हैं, और कुछ लोग तो इन दिनों ये भी बोलते हैं इन्हीं को हम ही तो इनको बना के देते थे। अच्छा भाई अगर फ्लो बीट्स का ये लेवल है तो एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, ना ऐसा है कि हाँ भी मेरे को किसी से बनवाने की जरूरत है, मैं खुद के अंदर कैपेबल हूँ, सब चीजें मेरी अपनी हाथ की हैं, तो हमें क्या जरूरत है किसे बनाने के लिए, ऐसी बातों में अपना समय ना बर्बाद कीजिए। मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई है, वहां पर साफ लिखा है इन हरामजादों से जो है सतर्क रहे, जो सारी चीजें आपको उसके अंदर दी गई है रील के अंदर, तो उसको देखिए मजा आएगा आपको, एंटरटेन के लिए बोल रहा हूँ, तो बच के रहे। चलो तो ये वीडियो पे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग ही लेकर आए ना। बिल्कुल चलो तो बाकी सर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्लो बीट से बहुत जल्दी आएंगे दोबारा इस साउंड को फील करने के लिए, बाकी मिलते हैं सर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।